good morning students this is the second part of the chapter number second is matter around us pure in this section we will discuss about the separation of a mixture there are two types of mixture homogeneous and heterogeneous so we discuss different kinds of methods about separation of mixture how to separate homogeneous mixture and how to separate heterogeneous mixture let's see start the session हाउ टू सेपरेट कंपोनेंस ऑफ अ मिक्सचर फर्स्टिंग इज दैट हाउ टू सेपरेट कंपोनेंस ऑफ अ मिक्सचर ठीक है इन प्रीवियस सेक्सन वी हैव ऑलरेडी डिसकस अबाउट द वॉट इज मिक्सचर सल्यूशन कोलाइडल सल्यूशन एंड सो मेनी थिंग्स सो इफ यू सी प्रिवियस पार्ट यू वील इजिली अंडरस्टैंड दिस सेसन ओके स्टार्ट द सेसन वी कैन सेपरेट द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इंटू देअर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाई मीन्स ऑफ फिजिकल मैथड्स लाइट्स ठीक है फर्स्ट वी नो अबाउट हाउ टू सेपरेट कम हेट्रोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर वी आल्सो नो अबाउट वाट इज हेप्टोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ डिजोल्व पार्टिकल्स इज ग्रेटर दैन वन नैनोमीटर जस्ट लाइक कोलाइडल एंड सस्पेंसन ठीक है तो कोलाइडर और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हैट्रोजीनियस की रेंज में आते हैं और हम पहले देखेंगे कि हाउ टू सेपरेट हैट्रोजीनियस मिक्सचर ओके हम लोग जानते हैं मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड ठीक है क्योंकि वो सेपरेट किए जा सकते हैं बाय एनी फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड फर्स्ट मेथड इज़ एयर फिल्ट्रेशन सेकेंड इज़ हैंड पिकिंग एंड थर्ड इज सेविंग लेट्स सी वन बाई वन ठीक है द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग सेवरल अदर टेक्निक्स ठीक है तो हम फिल्ट्रेशन सीविंग एंड हैंड पिकिंग के अलावा कुछ और भी मेथड्स हैं जैसे ईवोप्रेशन सेंट्रीफ़्यूगेशन, सबलीमेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन इन सारे मेथड्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इोप्रेशन जानने से पहले जो हमारे बेसिक थ्री मेथड्स हैं फिल्ट्रेशन एंड सीविंग एंड हैंड पिकिंग तो फिल्ट्रेशन जनरली क्या होता है छानना किसी भी सब्सटेंस को किसी भी मिक्सचर को हम फिल्टर पेपर से जनरली छान करके अलग कर लेते हैं तो उसमें जो भी हमारा डिज़ोल्व पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर पर अलग हो जाते हैं फिल्ट्रेट के फॉर्म में दैट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन ठीक है जैसे आप फॉर एग्जांपल आप अपने घर में देखिए तो आप टी देखते होंगे चाय बनाते होंगे तो चाय को आप छान देते हैं ठीक है तो उसमें जो भी टी लीव्स जिंजर और भी जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे सेपरेट हो जाते हैं जो हमारा टी होता है वो सेपरेट अलग हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन मेथड एंड सीविंग सीविंग मींस ओसाना होता है जैसे आप देखते हो इसमें क्या होता है कि ये ऐसा जनरली सॉलिड मिक्सचर्स के लिए किया जाता है ठीक है जब सॉलिड सॉलिड आपस में मिक्सड होते हैं जिसमें एक हैवी पार्टिकल होता है और एक लाइट पार्टिकल होता है जब हवा चल रही होती है तेज़ हवा के सामने उस सब मिक्सचर को हम गिराते हैं तो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ करके दूर चले जाते हैं और जो हम एवी पार्टिकल्स होते हैं वो हमें नीचे ही मिल जाते हैं इस तरह से इस मेथड को हम लोग सीबिंग कहते हैं ठीक है जैसे आप जनरली घर पर देखते होंगे गेहूँ धान वगैरह जो उसमें कुछ अनवांटेड पार्ट्स आ जाते हैं ठीक है उसको हम लोग आ, हवा के सामने गिराते हैं तो उसमें से जो भी इस तरह से पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड लास्ट वन इज़ हैंड पिकिंग हैंड पिकिंग इज़ वेरी कामन मैथड ठीक है हैंड पिकिंग यानी कि हैंड हैंड से ही पिक करना ठीक है यानी हाथ से ही पिक करके जो सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है वो हैंड पिकिंग मेथड कहलाता है इसको भी हम जनरली सॉलिड मटेरियल्स में ही यूज करते हैं सॉलिड मिक्सचर्स को ही सेपरेट करने में यूज करते हैं जैसे आप देखते हैं कि आ, हमारे ग्रेन्स में चावल में दाल में कुछ कंकड़ पत्थर आ जाते हैं तो उन्हें हम हाथ से अलग कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड हैंड पेकिंग मेथड ठीक है दीज आर वेरी कामन सी इबोप्रेशन इबोप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सेपरेटिंग ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स लेट्स व्हाट इज़ इवोप्रेशन फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल एंडिटाइल सब्टानस नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल सब्सटांस वाट इज़ नॉन वोलेटाइल एंड वाट इज वोलेटाइल सफ्टानस विच इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन एनी मीडियम नॉन वोटाइल सब्सटान्स विच आर नॉट डिजॉल्व कम्पलीटली नॉट डिजॉल्व ठीक है तो जनरली यहाँ पर हम लोग वोलेटाइल सफटांस या नॉन वोलेटाइल सब्सटांस को सेपरेट करने के लिए इस मैथड का यूज़ करते हैं जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं ठीक है फिगर में तो यहाँ पर एक इवोपरेटिंग डिस है नीचे बंसन बर्नर लगाया गया है जहाँ से हीट निकल रही है और ये मिक्सचर है आपका सॉल्ट एंड वाटर का जब हम इसे हीट करते हैं तो वाटर जो होता है वो वेपराइज हो जाता है और जो हमारा सॉल्ट होता है वो रेसिड्यू के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है ठीक है एप्लीकेशन क्या है सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द इंक ठीक है इसका कलर्ड कंपोनेंट इंक से भी सेपरेट किया जाता है, सकता है सॉल्ट फ्रॉम वाटर भी एंड सॉ शुगर फ्रॉम वाटर ये भी यूज किया जा सकता है इन तीनों में ही हम लोग इवोप्रेशन मेथड यूज करते हैं ओके okay? मेथड क्या है मिक्सम इंक इंक इंटू वाटर एंड हीट इट आफ्टर सम टाइम द वाटर विल इवोपरेट लिविंग बिहाइंड द कलर सफस्टांसिस ठीक है अगर आप इंक को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं और उसे इवोपरेट करते हैं तो जो वाटर होगा वो इवोपरेट हो जाएगा और इंक जो होगा वो रेसिड्यू के फॉर्म में उसी इवोपरेटिंग डिश में हमें मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन क्या करता है सेपरेटिंग डेंस पार्टिकल फ्रॉम लाइटर पार्टिकल्स ये डेंस यानी जो भारी पार्टिकल होते हैं हल्के पार्टिकल से उन्हें सेपरेट करने का जो मेथड होता है दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन इसका यूज कहाँ होता है सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम दूध से क्रीम निकालने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम क्रीम से बटर निकालने के लिए यूज किया जाता है स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स ठीक है तो जो हमारा भीगा हुआ गीला कपड़ा होता है उससे वाटर को रिमूव करने में भी इस मेथड का यूज़ किया जाता है जनरली इसको एक सेंटिफ्यूगेसन मशीन होती है उसमें हम इस प्रोसीज़र को ऑपरेट करते हैं तो आसानी से सारे जो भी सब्सटेंस होते हैं वो अलग हो जाते हैं जैसा कि आप वॉसिंग मशीन में देखते होंगे कपड़े धुलने के बाद उन्हें सूखने के लिए एक आप अलग कंटेनर में डालते हैं वहाँ पे वो ही आपका सेंटिफ्युगेशन मशीन है ठीक है जो कि क्या करता है जो भी वेट क्लाथ में जो भी हमारे वाटर पार्टिकल्स होते हैं उन्हें स्क्वीज़ करके बाहर निकाल देता है उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन मिल्क से क्रीम निकालने के लिए और बटर से क्रीम निकालने के लिए भी यूज किया जाता है मेथड क्या है मिल्क इज पुट इंडर सेंट्रफ्यूगिंग मशीन और मिल्क चरनर एंड द क्रीम द सेपरेट फ्रॉम मिल्क ठीक है तो यहाँ पे जैसे घर पर भी आप देखते होंगे कि आ, गाँव में कुछ जगहों पर मिल्क एक डंडी जैसा एक, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको जब मिल्क में डाल करके बार बार रोटेट करते हैं तो आप देखते होंगे क्रीम जो होता है उस डंडी वाले ऑपरेटर्स के ऊपर आ जाता है और मिल्क जो होता है वो हमारा नीचे ही रह जाता है वो भी जस्ट लाइक ए सेंटिफ्यूगिंग मशीन के ही तरह वर्क करता है थर्ड वन इज़ यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल सेपरेटिंग फनल से भी हम सेपरेट करते हैं टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड देखिए ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस में सॉलिड लिक्विड सेपरेट हो रहा, किस liquid liquid हो रहा किस है किस में लिक्विड लिक्विड सेपरेट हो रहा है किस में इमिसिबल लिक्विड है किस में मिसिबल लिक्विड है ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान देना है ठीक है तो अभी हमने जो इससे पहले देखा सेंट्रीफ्यूगेशन में लाइटर और डेंसर पार्टिकल्स की बात थी ठीक है इव में सॉलिड और लिक्विड की बात थी और यहाँ पे टू इमिसिबल लिक्विड टू इमिसिबल लिक्विड का मतलब ऐसा लिक्विड जो आपस में घुला नहीं हो जस्ट लाइक वाटर एंड ऑयल ठीक है तो ये सेपरेटिंग फनल से इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट किया जाता है एग्जाम में आपसे पूछा जाता है हाउ टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड तो आप बताएंगे बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए आप फनल देख रहे हैं सेपरेटिंग फनल उसमें दो तरह के लिक्विड हैं एक लो डेंसिटी और एक हाई डेंसिटी हाई डेंसिटी जिसकी हाई होती है वो हमेशा नीचे की तरफ रहता है और लो डेंसिटी का जो सब्सटेंस होता है वो हमेशा उसके ऊपर फ्लोट करता है तो यहाँ पर सेपरेटिंग फनल से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम हाई डेंसिटी के सब्सटेंस को सेपरेट कर लेते हैं और लो डेंसिटी का सब्सटेंस जो होता है वो फनल में ही रह जाता है एप्लीकेशन यानी यूज़ कहाँ करते हैं ऑयल फ्रॉम वाटर ऑयल को वाटर से इस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं आयरन फ्रॉम आयरन ओर आयरन ओर से आयरन को भी सेपरेट किया जाता है मेथड क्या है दिसिबल लिक्विड्स आर अलाउड टू सेटल इन द फनल द सून फॉर्म सेपरेट लेयर ड्यू टू वेरिंग डेंसिटीज़ द फर्स्ट लिक्विड इज अलाउड टू फ्लो आउट ऑफ द फनल एंड अ सून एज इट इज़ कम्प्लीटली पोर्ड आउट द स्टॉप कॉक इज़ लॉक्ड सॉरी क्लोज्ड दे आर बाई सेपरेटिंग द टू लिक्विड्स फ्राम ईच अदर तो इसमें हम टू इमिसिबल लिक्विड को फनल में रखते हैं अलग अलग डेंसिटी होने के कारण जो होते हैं वो अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो हाई डेंसिटी के लिक्विड को हम सेपरेटिंग फनल से अलग कर लेते हैं और जो हमारा लो डेंसिटी का सबस्टांस रहता है वो उसी फनल में ही रह जाता है इस तरह से हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं नेक्स्ट वन इज टू सेपरेट अ सब्लीम सब्लीमेबल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लीमेबल कम्पोनेंट ये एग्जाम में पूछा जाने वाला सबसे अधिक बार क्वेश्चन है ठीक है कि इसको कैसे तो सब्लीमेशन जो प्रोसेस है इसमें एक हम सब्लीमेबल सब्सटेंस को सब्सटेंस से सेपरेट करते हैं यानी एक सब्लीमेट को एक नॉर्मल सब्सटेंस से हम सेपरेट करते हैं ठीक है sublimation प्रोसेस आप जानते हैं प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ठीक है तो इसमें आप फिगर में देखिए तो एक बर्नर है बंसन बर्नर है उसके ऊपर हम एलुमिनियम क्लोराइड सॉल्ट रखे हैं चाइना डिश में उसके ऊपर एक फनल रख दिया गया है ठीक है फनल को कॉटन प्लग से बंद कर दिया गया है इन्वर्टेड फनल मतलब फनल को उल्टा रखा गया इस वजह से यहाँ इन्वर्टेड फनल टर्म यूज किया गया है ठीक है और उसे हीट करते हैं तो जो अमोनियम क्लोराइड है वो एक सबली होता है और वो धीरे धीरे वेपराइज होगा और वो जा कर के ऊपर ठंडा होकर के सेपरेटिंग फनल में सॉरी हमारा जो इन्वर्टेड फनल है वहाँ पे जा कर के डिपॉजिट हो जाता है एप्लीकेशन क्या है एलुमिनियम क्लोराइड कैम्फर नेपथलिन एंड सॉल्ट ठीक है तो एल्युमिनियम क्लोराइड को सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट के साथ सेपरेट किया जा सकता है कैम्फर एंड सॉल्ट ले सकते हैं कैम्फर उसमें सब्लीमेट होता है नेपथलिन बॉल्स भी सब्लीमेट होते हैं नेपथलिन बॉल एंड सॉल्ट भी ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम किसी भी सब्लीमेट जो होता है उसी को यूज करेंगे किसी अन सब्सटेंस सब्सटांस जो सब्लीमेट नहीं होता है मेथड क्या है हीट द मिक्सचर इन एन इन्वर्टेड फनल सो दैट द सब्लीमेबल कंपोनेंट सबलायम्स इन द एयर एंड सेटल ओवर द वॉल्स ऑफ द फनल एंड द नॉन सब्लीमेबल कंपोनेंट ऑन द अदर हैंड इज लेफ्ट वी हैंड ठीक है तो इसमें जब हम हीट करते हैं तो जो सब्लीमेट होता है वो सब्लाइम्स होता है यानी सब्लीमेसन प्रोसेस को प्रोसीड करता है और वो ऊपर उठता है ऊपर जाने के बाद वो ठंडा होता है ठंडा होने के बाद वो हमारा जो इन्वर्टेड फनल होता है उसके वाल्स पर डिपॉजिट हो जाता है वहाँ ठंडा होकर के वो सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारा नॉन सबलीबल सब्सटेंस रहता है वो चाइना डिश में ही ऐसे ही प्रेजेंट रह जाता है नेक्स्ट वन इज़ क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी जो है वो बहुत ही एडवांस मेथड है जिसे क्लास ट्वेल्थ में आप डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे जानते हैं ये क्या करता है टू सेपरेट सेल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट ठीक है ऐसे सेल्यूट को सेपरेट किया जाता है जो उसी तरह के सॉल्वेंट में प्रेजेंट होता है एप्लीकेशन क्या है इसके सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट ऑफ अ डाई किसी भी डाई डाई यानी जो कलर होता है उसमें अलग अलग अगर कलर्स uh, हैं ठीक है डाई जो भी लगाने में यूज किया जाता है उसमें अलग अलग कलर्स को सेपरेट करने के लिए एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने ड्रग्स यानी मेडिसिन को सेपरेट करने के लिए भी इस मेथड का यूज़ किया जाता है जिसे हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं मेथड क्या है टेक अ फिल्टर पेपर ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ इंक एट द रेर फिल्टर पेपर आप जो लैब में आराम से देख सकते हो ब्लॉटिंग पेपर जो होता है यानी ये ब्लॉटिंग पेपर ऐसा पेपर होता है जो कि एक तरह से समझ सकते हो आप बटर पेपर जैसा होता है ठीक है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है थोड़ा सा आर पार दिखाई देता है उस पर एक ड्रॉप एंड प्लेस ए ड्रॉप ऑफ इंक एट द रियर इंड इसके एक इंड पर एक इंक का ड्रॉप एक रखते हैं डीप द इंड इन वाटर और उस कोने को हम वाटर में डीप करते हैं सिंस इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कलर इंक जो है वो दो या दो से अधिक कलर का मिक्सचर होता है द कंपोनेंट ऑफ इंक विच इज़ सल्यूबल इन वाटर मिक्सेज इन टू इट एंड देन सेपरेट्स क्विकली फ्रॉम द अदर कंपोनेंट दैट आर लेस सल्यूबल इन वाटर ठीक है तो उसमें जो इंक में एक जो ऐसा कई सारे कलर्स हैं तो कुछ कलर्स जो होते हैं वाटर में बहुत ही आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं कुछ जो होते हैं नहीं होते हैं। तो उस जो इंक हम यह, जो ब्लॉटिंग पेपर का कोना जो हम इंक डिप करके वाटर में डिप किए हैं उसमें जो इंक का कुछ कलर जो होता है वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में कुछ कलर जो होता है आसानी से डिज़ोल्व नहीं होता इस तरह से उन कलर्स को सेपरेट कर लिया जाता है डिस्टिलेशन इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथड ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और सबसे अधिक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड मस्ट बी सफिसिएटली डिफरेंट ठीक है यहाँ पर देखिए दो मैथड है डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन जो है वो थोड़ा सिंपल मेथड है और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो थोड़ा एडवांस मेथड है प्रोसीजर दोनों में सेम ही है बस दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है के जब दो मिसिबल मिसिबल यानी घुले हुए लिक्विड जब दोनों मिसिबल लिक्विड के बॉयलिंग पॉइंट का डिफरेंस ग्रेटर देन ट्वेंटी डिग्री होता है तो हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल सॉरी दिश्ट, डिस्टिलेशन मेथड अगर लेस देन ट्वेंटी डिग्री होता है तो आप यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड तो यहाँ डिस्टिलेशन मेथड में यानी जो मिसिबल लिक्विड है उनके बीच का जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो ग्रेटर देन ट्वेंटी डिग्री होता है मेथड क्या है द मिक्सचर इज हीटेड इन अ डिस्टिलेशन ऑपरेटस द वन सब्सटेंस विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑपरेट फर्स्ट जब हम उस मिसिबल लिक्विड को कंटेनर में रख करके हीट करते हैं तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है वो पहले ही बॉयल कर जाता है बॉइलिंग फर्स्ट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द वन विथ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट ठीक है तो जो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होती है वो पहले ही इवोपरेट होने लगता है बॉयल करने लगता है और वाइपर में कन्वर्ट होगा और वाइपर में कन्वर्ट होने के बाद आप जानते हैं कि वो ऊपर की तरफ जाएगा ऊपर एक कंडेंसर लगा दिया जाता है जहाँ से कि वो ट्रैवल करके ठंडा हो जाता है ठंडा होकर के वो एक अलग कंटेनर में उसे कलेक्ट कर लेते हैं जिससे कि वो आसानी से सेपरेट हो जाता है ओके सिंपल एंड फ्रैक्शनल दोनों का देखिए तो वेन द मिसिबल लिक्विड हैव ए सैटिस्फैक्ट्री डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है बॉयलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वन द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज लेस देन ट्वेंटी फाइव केलविन यहाँ केलविन है ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे हमने बोला ऑलमोस्ट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस होना चाहिए यहाँ केलविन में टेम्परेचर दिया गया है ठीक सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेज फ्रॉम द एयर ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है ठीक है तो इसे हम किस मेथड से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं कंप्रेस एंड कूल द एयर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर देखिए जब तक वो गैसेस के फॉर्म में हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो पहले हम उन्हें करते हैं क्या कि टेम्परेचर को डिक्रीज करके या प्रेशर को इंक्रीज़ करके पहले हमें कूल डाउन करके उनको ठंडा करके कन्वर्ट कर लेते हैं लिक्विड में द एयर टर्नस टू लिक्विड एयर ठीक है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड एयर इज़ वर्न अब स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्लेशन ऑपरेटर्स अब उन्हें फ्रैक्शनल डिस्लेशन ऑपरेटर्स में उस लिक्विड को धीरे धीरे गर्म करते हैं द सेबरल कंपोनेंट्स ऑफ दर गेट सेपरेटेड एंड आर कलेक्टेड एट वेरियस हाइट आर द बेसिस ऑफ दियर बॉइलिंग पॉइंट फिर वही कॉन्सेप्ट आता है कि उनके बॉयलिंग पॉइंट का डिफ बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो होगा वो अलग अलग होगा तो अलग अलग टेम्परेचर पर सब बॉयल करेंगे बॉयल करके वेपर में कन्वर्ट होंगे और उन्हें आसानी से हम सेपरेट कर लेंगे नेक्स्ट इज प्योरीफाइंग सॉलिड सॉलिड को प्योरीफाई कैसे कहते हैं मेथड यूज क्रिस्टलाइजेशन इसमें हम यूज करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड इन द क्रिस्टलाइजेशन मैथड वी कैन ऑप्टेन ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सल्यूशन ठीक है method, solution, तो इस मैथड में हम प्योर सॉलिड प्राप्त कर सकते हैं किसी भी सोल्यूशन से तो स्टेप फर्स्ट में आप देखिए सॉलेंट सॉल्वेंट है एंड यूप्योर सॉलिड है ठीक है स्टेयर टू डिज़ोल्व सॉलिड पहले उस डिजोल्व को हम घोल देते हैं स्टेरलाइज कर लेते हैं स्टेप टू में देखिए द सोल्यूशन इज हीटेड टू एवोपरेट मोस्ट ऑफ़ द सोलेंट तो इसमें जो सॉलवेंट होता है वो एवोपरेट हो जाता है ज़्यादातर ठीक है थर्ड स्टेप में देखिए द हॉट सल्यूशन इज अलाउड टू कूल द सॉलिड अपीयर्स एज प्योर क्रिस्टल और उसमें जो सॉलिड जब उसे हम सोल्यूसन को आफ्टर uh, हीटिंग जब उसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं तो उसमें जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं स्टेप फोर फिल्टर पेपर यूज करते हैं द कोल्ड सोल्यूशन इज पोर्ड ऑफ टू ऑफ द क्रिस्टल द क्रिस्टल मे बी ड्राइड बाई प्रेसिंग द बिट प्रेसिंग देम बिटवीन सीड्स आ फिल्टर पेपर ठीक है तो जो उसमें से फिल्टर पेपर से हम क्या करते हैं जो क्रिस्टल्स मिलते हैं उन्हें हम फिल्टर पेपर पेपर के बीच में रख के प्रेस करते हैं जिससे कि वो ड्राई भी हो जाते हैं सूखे भी हो जाते हैं इस तरह से हमें प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं एप्लीकेशन है इसका सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर वाटर से सॉल्ट इसी मेथड से यूज निकाला जाता है और इवोपरेसन मेथड से भी निकाला जाता है प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट को प्योर भी इसी मेथड से करते हैं मेथड के आदम्प्योरिटीज ऑफ ए सफ्टानस आज फिल्टर्ड आउट इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो फिल्टर्ड कर लिए जाते हैं वाटर इज ओपरेटेड टू ऑपटेन ए सैचुरेटेड सल्यूशन वाटर को ईवोपरेट करते हैं जब तक कि उसमें सेचूरेटेड सल्यूशन न बन जाए यानी कि उसमें नो मोर सल्यूट कैन बी डिजॉल्वड The solution is covered with filter paper and left as it is. उसको filter paper से ढक कर कुछ समय छोड़ दीजिए After सम the crystal क्रिस्टल pure solid आर फॉर्म और कुछ समय बाद ठंडा होने के बाद प्योर सॉलिड प्योर क्रिस्टल्स बन जाते हैं solid सॉलिड के ओके दिस इज also वेरी इंपॉर्टेंट इज इवोपरेशन बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन इवोप्रेशन मेथड जो है वो क्रिस्टलाइजेशन से बेटर है या नहीं अभी हमने आपको बताया कि सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर जो है वो इवोप्रेशन मेथड से भी सेपरेट किया जाता है और क्रिस्टलाइजेशन मेथड से भी किया जाता है तो इन दोनों में बेटर मेथड कौन सा है हमें यहाँ पे देखना है सिंपल इवोप्रेशन इज नॉट बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन बिकॉज जो ईवोपरेशन मेथड है वो क्रिस्टलाइजेशन से बेटर नहीं है क्यों सॉलिड सबस्टांसेज डिकम्पोज बिकॉज ऑफ एक्सेस हीट क्योंकि जब ऐव्रेशन होता है हीट अधिक होती है तो ज़्यादातर जो सॉलिड सब्सटांसेस होते हैं ब्रेक हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल शूगर गेट्स चार्जड ऑन एक्स्ट्रा हीटिंग सूगर जो होता है तो उसे अगर सूगर और वाटर का सल्यूशन है तो उसे जब बहुत आप हीट करते हैं तो उसमें जो सूगर जो होता है वो भी थोड़ा बहुत ईवोप्रेट हो जाता है एक्स्ट्रा हीट करने पर इफ़ आफ्टर फिल्टसन सम इम्प्योरिटीज़ रिमेन इन द सल्यूशन दे कैन कंटामिनेट द सोलिड एंड देआर फोर वी कु वुड नाट ऑप्टेन ए प्योर सब्सटांस ठीक है तो जब हम जो ओपरेशन से जो भी सब्सटांस मिलता है उसे जब हम फिल्ट्रेट करते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं और वही इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं तो फिर वो हमारे पूरे सब्सटेंस को कंटामिनेट कर देती हैं दूषित कर देते हैं और इस तरह से हमें प्योर सब्सटेंस नहीं मिलता है इस वजह से आप बताएंगे कि क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर मेथड देन द इेशन ओके तो स्टूडेंट्स ये लास्ट मेथड था ठीक है और चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है जो भी क्वेरीज़ होंगी जो भी क्वेश्चंस होंगे आप पुट टफ हमसे कर सकते हैं और स्टूडेंट्स इस चैप्टर का नोट्स भी आप डाउनलोड करके अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट कर देंगे साथ ही साथ इसमें हमने एन सी भी ऐड कर दिए हैं जिसको भी आपको कॉपी पर करना है फेयर कॉपी पर ओके स्टूडेंट्स थैंक यू हैव एन नाइस डे